चलते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के उद्योग एवं श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा ने बजट पर बयान दिया है, जिसमें मूलचंद ने कहा कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है, बजट कल्याणकारी साबित होगा। वहीं हरियाणा के लिए बजट में घोषणा ना होने के विपक्ष के बयान पर बोलते हुए कहा कि सभी वर्गों और विभागों को बजट में काफी कुछ दिया गया है, जब भी हरियाणा ने डिमांड की है सब कुछ मिला है। वहीं हरियाणा के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को गैलेंट्री अवार्ड देने के बाद पंजाब के नेताओं की तरफ से साधे जा रहे निशाने पर भी उन्होंने पलटवार किया। केंद्र की सरकार ने जो बजट किया है वो विकसित भारत का बजट है और विकसित भारत विकसित देश के लिए क्या क्या करना चाहिए वो चीज सारी इस बजट में सम्मिलित की गई है। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि हर प्रदेश को, गरीब को, मजदूर को, व्यापारी को, कर्मचारी को हर क्षेत्र में देने का काम किया है। और विशेष जो पैकेज बिहार और आंध्रा के लिए दिया, बहुत लंबे समय से उनकी डिमांड थी और बार बार कई बार डिमांड हो नहीं पाई, तो मैं इसे उनका धन्यवाद करूंगा कि उन प्रदेशों को भी डिमांड जिनकी बहुत लंबी डिमांड थी उनको भी देने का काम किया। सर, विपक्ष को ये कहना है कि बिहार अंदर प्रदेश को पैकेज दिया और हरियाणा के लिए कोई तरह की घोषणा नहीं की, इलेक्शन भी आया आप उसके बावजूद भी कोई। हरियाणा बहुत विकसित प्रदेश है और हरियाणा ने जब मांगा है बहुत कुछ।